बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। आज मैं आपको बकरा ईद के लिए ऐसे कहवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे पीने से अगर आपके मैदे में जलन हो रही है, बदहजमी है, मैदे में तेजाबियत है, खाना हजम नहीं होता, तो ऐसे कहवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे पीने से आप इन तमाम मसलों में से निकल सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती है तो इस कहवे को पीने से आपको भूख भी लगेगी। ये कहवा बनाना बहुत ज्यादा आसान है, किचन में मौजूद सिर्फ चंद चीजों से बनके तैयार हो जाएगा। चलिए आपका टाइम जाया किए बिना जबरदस्त से कहवे की तरफ चलते हैं। इस कहवे को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 2.5 कप के करीब पानी, क्योंकि 2 कप हमने बनाना है कहवा तो जो आधा कप है वो सूख जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ये आधा कप जो है ये पक जाएगा। ढक्कन देते हैं और पानी में जबरदस्त सा उबाल आने देंगे। पानी में आप देखिए हल्का हल्का सा उबाल आने लग चुका हुआ है और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 छोटी इलायची हैं, 1 छोटा सा टुकड़ा हमारे पास दालचीनी का है, ये जी 8 से 10 अदद हमारे पास पुदीने की पत्तियां हैं, और ये 1 टेबलस्पून है हमारे पास शक्कर। अगर आपके पास चीनी है तो चीनी ऐड कर दीजिएगा, शक्कर है तो शक्कर। मतलब ये कि आप लोग इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। इस कहवे को हम अब जबरदस्त सा 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इन सारी चीजों का फ्लेवर अच्छे से निकल जाए। इसको कवर कर देंगे। ये लें जी, यहाँ पर इसको 2 से 3 मिनट हो चुके हुए हैं पकते हुए, तो आप लोग देख सकते हैं कहवा हमारा जो है वो बहुत जबरदस्त सा तैयार हो चुका हुआ है। अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और इसमें डालते हैं एक जबरदस्त सी और सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज। दो हम यहाँ पर सबसे पहले सर्विंग कप लेंगे, इसमें हम ये कहवा ऐड कर देंगे। कहवा हमने कप्स में ऐड कर दिया वह है, अब हम इसमें निचोड़ देंगे। ये हाफ हमारे पास लेमन है, जब आप देखिएगा लेमन को हम निचोड़ेंगे तो इस कहवे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन और फायदों से भरपूर कहवा हमारा जो है वो बनके हो चुका हुआ है तैयार। बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बकरा ईद आ रही है तो बकरा ईद पर काफी सारी ऐसी रेसिपीज होते हैं जिसे खा लेने से मैदे पर भारीपन सा फील होता है, तो जरूर आप इस कहवे को ट्राई करिएगा इस ईद पर। इंशाल्लाह ये बहुत इफेक्टिव है और आपको बहुत फायदा देगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, मिलती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।